देश के ज्यादातर हिस्सों में बारिश का दौर अभी भी जारी है। मौसम विभाग के मुताबिक एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र हरियाणा और आसपास के इलाकों पर बना हुआ है। इसके अलावा उत्तरी तमिलनाडु और आसपास के इलाकों पर एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बना हुआ है। वहीं लाहौल स्पीति के लौसर में ताजा बर्फबारी हुई है। कांगड़ा की धौलाधार की पहाड़ियां भी अक्टूबर माह में ही बर्फबारी से सफेद हो गई हैं। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु और लक्षद्वीप में हल्की बारिश होने की संभावना है। इसके साथ ही अरुणाचल प्रदेश में मध्यम बारिश होने की आशंका है। हालांकि कुछ क्षेत्रों में भारी बारिश की भी संभावना है। तो वहीं मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, सिक्किम, असम, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा और गुजरात में छिटपुट बारिश होने की संभावना है। तो वहीं हिमाचल में हो रही बारिश और ऊंची चोटियों में बर्फबारी से पूरा प्रदेश शीतलहर की चपेट में आ गया है। हिमाचल के विभिन्न क्षेत्रों में हो रही बारिश और बर्फबारी के कारण तापमान में काफी कमी भी देखने को मिली है। प्रदेश में बारिश को लेकर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया हुआ है। इसके अलावा आगामी 2 दिन भी बारिश का दौर जारी रहेगा।